नहीं, क्या हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये डेटा इस तरह से डला हुआ है, मुझे डेटा जो है इस फॉर्मेट में चाहिए, समझे। अगर मैं मैनुअल करने जाऊं तो मान लीजिए मैं इसी यही पे करता हूं, दूसरे सीट हटाने पे करता हूं, इसी पे करता हूं सर, तो ये आपका नेम है, ये आपका डेट है और ये आपका मान लीजिए हमारा सेल्स है। तो अगर मैं मैनुअल करूं तो नेम को उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, यहां पे पेस्ट करूंगा, डेट को उठाऊंगा और यहां पेस्ट करूंगा, और फिर सेल्स को उठाऊंगा कॉपी करके मैं यहां पेस्ट करूंगा। डेटा बहुत सारा हो सकता है, ये डेटा जरूरी नहीं है कि 31 तक ही होगा, ये डेटा काफी ज्यादा हो सकती है। तो आदिल यादव जी, आपने जो प्रोग्रामिंग किया है वो एक फिक्स फॉर्मेट में है और ये आपका डायनेमिक नहीं है, समझे। ये जो उतना देर में लिखेंगे उतना देर में तो नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर लेंगे सर, बात समझ रहे हैं। चलिए इसको हम कैसे कर देंगे बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, और फिर यहाँ पे लूप देते हैं, लूप में हम देंगे फोर आई इक्वल टू चले टू से रेंज एक्स एफ डी वन डॉट एन टू एक्सल लेफ्ट, ओके ठीक है, जितना कॉलन है उतना चलेगा। टू से इसलिए किया क्योंकि एक हमें रिपीट तो डेट के बाद करना है ना, ये तो फिक्स है, सब पे चाहिए, ओके। उसके बाद मैं रेंज ए वन से लेके ए इलेवन, अभी क्या है कि फिक्स नहीं है, आप डायनेमिक भी कर सकते हैं, तो मैं डायनेमिक ही करके दिखा देता हूँ सीट थ्री पे, चलिए सीट फोर पे, इसका नाम नाम D1 करता हूं और इसका नाम D2 करता हूं, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा, फिक्स ही कर देता हूं। तो मैं यहां पे करता हूं कि रेंज A1 से चलेगा स्टार्ट होगा और रेंज A65000 डॉट डॉट कॉपी, और ये पेस्ट कहाँ होगा, तो पेस्ट होगा रेंज रेंज A65000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, और कहाँ, तो ये होगा सीट सीट्स, और सीट्स में कौन सा, तो डी टू, ओके। तो ये हमारा इसको कॉपी कर दिया राइट, यहां पे जाके अब मुझे यहां से लेके यहां तक का पेस्ट करना है, यहां से लेके यहां तक का पेस्ट करना है राइट। तो इसके लिए मुझे सीट डी टू पे जाना पड़ेगा, सीट्स यहां पे डी टू डॉट एक्टिवेट या सेलेक्ट, सेलेक्ट भी कर सकते हैं राइट। उसके बाद हमने यहां बोला कि रेंज कॉलम बी बी 65000 नहीं, बी नहीं सर, ये होगा रेंज में सेल कर सकते हैं सेल्स, रो हमें पता नहीं है तो हम देंगे रेंज ए 65000 डॉट एंड डॉट एक्सेलेस अप डॉट रो, ये रो नंबर के लिए, और नहीं नहीं एक मिनट, इसमें हम गलत कर दिए, गलत कर दिए, यहाँ पे हमारा बी वन होगा, नहीं नहीं बी वन नहीं होगा, रेंज ए
65,000 ए नहीं बी होगा, हाँ बी 65,000 डॉट एंड डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट वन कॉमा जीरो, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा और एंडिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन हमारा जो होगा होगा एक सेकंड सर, किसी का फोन आ रहा है। हेलो रेंज, इसमें सेल देना होगा, सेल्स सेल्स और सेल्स में स्टार्ट रोज नंबर आपका ए आ जाएगा, रेंज 65,000 सेक्सलेस आप, और कॉलम नंबर हो जाएगा हमारा टू क्योंकि बी है इसलिए। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स आपका रो नंबर वन कॉलम नंबर आई और इक्वल डॉट वैल्यू कौन से सीट का, ये होगा हमारा डेटा डेटा सॉरी डेटा शीट में सीट्स कौन सा डेटा डेटा वो टी वन सीट्स का। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्या किया। हमने सबसे पहले यहां पे देखिए क्या है कि हमने बोला कि रेंज में हमारा स्टार्टिंग क्या है, ये आपका स्टार्टिंग है बी 65,000 मतलब कि बी कॉलम में जाए 65,000 पे जाए बी 65,000 पे जाए और वहां से एक्सेलस अप करके ऑफसेट यहां आए, ये हमारा हो गया डेटा का स्टार्टिंग पोजीशन। फिर एंडिंग पोजीशन के लिए हमने सेल यूज किया क्योंकि हमें पता है कि कॉलन बी है बट रो हमें पता नहीं है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि रेंज ए ए 65,000 यहां हमने बोला रेंज ए 65,000 डॉट एक्सेलस अप मतलब कि ये नीचे से ऊपर आया और 11 नंबर को पिक कर लिया तो सेल्स को मिला नंबर 11 और 2 तो ए यहां से यहां को सिलेक्ट कर लिया। समझ में आया जी, समझ में आया आपको सर ए लाइन। हेलो यस सर अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो इसको तोड़ सकते हैं यहां पे, हम यहां पे एक काम करते हैं कि डिम R K L एज ए रेंज, तीन चार रेंज बना देते हैं और हम यहाँ पे बोलते हैं कि सेट R इक्वल टू रेंज, ये जो आपका आता है हमें स्टार्टिंग चाहिए ना, स्टार्टिंग ये रहा हो गया और यहाँ पे सेट L इक्वल टू हमने इसको डिफाइन कर लिया ठीक है। और फिर मैं यहां पे कोड लिखूंगा कि रेंज स्टार्टिंग है हमारा आर, रेंज यहां सॉरी रेंज ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग है आर और एंडिंग है एल डॉट वैल ठीक है और एक इक्वल टू होगा कि हमें हर हमें जो है इसमें डेट डालना है, दूसरे कॉलम में क्या करना है डेट डालना है तो डेट कहां पर है तो डेट हमारा यहां पर है तो हमें पता है कि रो फिक्स है बट कॉलम लूप के अकॉर्डिंग चेंज होंगे ठीक है। तो यहां पे हमने कॉलम में आई दे दिया और रो हमारा फिक्स कर दिया तो हमारा क्या होगा कि डेट भी उठ के आ जाएगा डी टू में ठीक है। अब बारी है सेल्स की, तो सेल्स के लिए हमें कॉपी सबसे पहले तो कॉपी करना होगा तो हम यहां पे देंगे कि रेंज, अब रेंज में हमें सेल्स देंगे यहां पे सेल्स सेल्स और सेल्स में हमें पता है कि स्टार्टिंग का रो नंबर टू है और कॉलम नंबर आई है और फिर वापस सेल्स
अब मुझे इसकी एंडिंग जो है वो पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज, सॉरी मुझे इसकी एंडिंग पता नहीं है, तो हम यहां पे कर देंगे 65,000 या यहां पे आई और डॉट एंड एक्सेल अप। अप डॉट कॉपी, ठीक है, डेटा कॉपी कर लेगा और फिर हमें पेज करना है सी में, तो पेज तो हमें पता है सिंपल, हम लिखेंगे रेंज ए 65,000, ए नहीं यहाँ पे हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी 65,000 डॉट एंड एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा कॉपी हो रही है कहाँ से, शीट A1 से, तो यहाँ पे आपको शीट यहाँ पे D1 डॉट सेलेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो जितने जगह पे आपने रेंज या सेल्स दिया है उस सब जगह पे ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये सिलेक्ट ना दे तो आप इसको कॉपी कीजिए दे दीजिए, ये सेल्स है इसके अंदर भी देना पड़ेगा और यहां भी सेल्स है इसके अंदर भी देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप नहीं देते हैं तो ये आपका अब माइक्रो परफेक्टली बन गया। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करके ऐसे टेस्ट कर लेता हूं कि क्या है, सही चल रहा है। देखिए एक दिक्कत यहाँ पर आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने D2 को ओपन कर रहे हैं, D2 डॉट सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, वापस हम D1 को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लास्ट में चाहे सबसे स्टार्टिंग में D1 को एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलिए अब मैं एक बार डेटा को डिलीट कर दिया, अब मैं इस माइक्रो को रन करता हूँ RR को। परफेक्टली रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं दिक्कत है, दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत है लास्ट में डेटा को सही से कॉपी नहीं किया इसने सर, तो कहीं पे हमारा दिक्कत हुआ है। कहीं पे दिक्कत है हमारा, L इक्वल टू सेल्स, एक मैं स्टेप इन्फो करता हूं, ठीक है ना, तब पता चल जाएगा कहां पे दिक्कत है। D2 को सिलेक्ट किया, पेस्ट किया, अब करने तरीका एक छोटी सी दिक्कत हो गई, दोबारा से एक बार रन करके देखता हूँ कि हो सकता है डेटा सही से ना हो। नहीं अभी भी डेटा को सही नहीं किया, 29 तक बीच में सही नहीं कर रहा, 56 एक जनवरी को 56 है, सही है, सही तो कर
लेकिन दिक्कत कहाँ है, ये ओवरराइट कर रहा है क्या कहीं पे? D1 से सेल्स टू से डॉट आई D1 65,000 उनका डेटा तो कॉपी कर रहा है, सही पेस्ट भी कर रहा है। सी 65,000 डॉट एक्सेलेस एंड इधर प्रोफिट 1,0 ये भी सही है, पेस्ट स्पेशल। लास्ट में जाके डेटा को ये कर दे रहा है, मतलब कि कम कर रहा है, कम पेस्ट कर रहा है। ये आपका 31 है, तो कितना 31 है, ये आपकी सेल कितना है? दस रो होनी चाहिए। D2 में आता हूँ मैं, इसको 10 तक सही कर रहा है। अच्छा, हमें लग रहा है कि हमारा जो वो हाँ, ये डेट जो नहीं तो सही था, पूजा तक ले गया। ओके ओके, नेम को भी देख रहे हो, नेम को उठा रहा है। अब समझ में आया कि गलती कहाँ है, यहाँ है ऊपर में, ये हमने A1 से दे दिया है, यहाँ पे A2 होना चाहिए था। ये नेम भी उठा रहा था, तो पूरा नेम क्यों उठा रहा है? अब देखिए, अब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 311 तक आ रहा है। ठीक है सर, तो अब एक कोड हम आ रही है सर, एक कोड लगाया था, ठीक है सर, दोनों में अंतर है। ये फुल्ली डायनेमिक है और ये आपका डायनेमिक नहीं है। आपने हर सेल्स के लिए A2, A3, A4, A5, अब तो 11 तक आपका था। मान लीजिए कि अगर ये 100 होता या 10,000 होता अनिल जी, तो 10,000 यस सर लाइन ऑफ रो लिखते। आप इस चीज को देखिए, करें डायनेमिक करें। आप ये अजूम मत कीजिए कि आपके पास अभी छोटा डेटा है, आप ये अजूम करें कि ये बहुत बड़ी डेटा है। ठीक है, हमेशा yes. पहले इस चीज का ध्यान रखें। तो एक कोड मैं आप लोगों को भेज देता हूं, इस कोड को आप अपने हिसाब से देखें और अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करें, डेटा को बढ़ाए घटाए और फिर बनाए। ठीक है, सब आदमी को रिप्लाई कर देता हूं कोड। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय, गुड नाइट।